नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही बीजेपी की तैयारियों की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जुट गई है। हर सीट का आकलन किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की उन सीटों पर भी नजर है जिन पर 2019 के चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2019 से भी ज्यादा बड़ी जीत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में उसे सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से है। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर पार्टी की स्थिति भी काफी मजबूत है। यूपी में फिलहाल 14 सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा है। मिशन 80 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी अब विपक्ष के कब्जे वाली सीटों पर दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति तैयार कर रही है। इनमें फिल्मी हस्तियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। बीजेपी इन दिनों एक एक सीट पर प्रत्याशी को लेकर मंथन में जुटी है। पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट आने के बाद 20-30% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काटने के कयास भी लग रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, उसके बाद माना जा रहा है कि यही रणनीति यूपी में भी देखने को मिल सकती है। बीजेपी योगी सरकार के दिग्गज मंत्रियों, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को चुनाव में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार यूपी की राजनीति में कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। पार्टी का फोकस उन 14 सीटों पर है जिन पर अभी विपक्षी दलों का कब्जा माना जा रहा है। पार्टी बसपा के मौजूदा सांसदों को भी बीजेपी में शामिल कराकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के जाने माने चेहरों और जातीय समीकरण को देखते हुए कई नेताओं को बीजेपी में शामिल भी कराया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अभी अन्य पार्टियों के कई बड़े चेहरों की लिस्ट पार्टी के पास है जो पार्टी के संपर्क में हैं और पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। यूपी की बड़ी सीटों पर बड़े चेहरों को उतारने का प्लान बनाया जा रहा है। इनमें मोदी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, संजीव बालियान, जनरल वीके सिंह, भानु प्रताप वर्मा जैसे कई बड़े चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर जैसी सीटों पर फिल्मी जगत की हस्तियों को टिकट दिए जाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट में विस्तार की चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि नवरात्र में योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं है, फिर भी योगी मंत्रिमंडल में 2 नए नेताओं को जगह मिलना लगभग तय है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो हाल ही में फिर से एनडीए में शामिल हुए थे, और दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। इन दोनों नेताओं को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इन दोनों के बीजेपी के जुड़ने से बाद ही कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब शायद इन अटकलों पर विराम लग सकता है। तो बीजेपी यूपी में अपने 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए नई नई पैंतरेबाजी कर रही है। अब अपने इन मंसूबों में वो कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।